शिक्षक, अच्छे बच्चे और अच्छा समाज, जिस स्कूल को मिले वो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। कोई तो जिंदगी में जीत कर भी हार जाते हैं, कोई तो जिंदगी में जीत कर भी हार जाते हैं और उस हार को अपनी आखिरी हार मान लेते हैं। मौसम कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आखिर मंजिल तो उनको भी मिल जाती है, आखिर मंजिल तो चींटियों को भी मिल जाती है, जो बार 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 गिर कर भी अपना आखिरी प्रयास नहीं छोड़ती और अपना मुकाम हासिल कर लेती है। ये मैं आपकी खिदमत में कहना चाहता था। सम्माननीय गीतांजलि डायमंड स्कूल के चेयरमैन, एमडी कम प्रिंसिपल जसवंत डढवाल जी, हमारे मध्य विराजमान बीडीओ साहब, और बहुत बड़ा समाज है यहाँ पर। आज मौका मिला है, ये मैं बाद में कहना चाहूंगा। हमारे मध्य पंचायत के प्रधान और स्कूल के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर्ड और सर्विंग प्रिंसिपल, महिला मंडल के प्रधान, बीडीसी मेंबर और नेरवा से मेरे साथ मेरे बड़े भाई तुल्य जगदीश सूदजी और बहन इंदु सूदजी, आपका भी बहुत आदर के साथ नाम लेना चाहूंगा। यह व्यक्ति भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड है और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है और यहाँ आए, मैं आपका भी बड़े आदर के साथ आपका नाम लेना चाहूंगा। और उनके साथ यहाँ पर उपस्थित सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, गीतांजलि डायमंड पब्लिक स्कूल का स्टाफ, और बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा क्योंकि कांगड़ा वीरों की भूमि है, देश सेवा में बहुत बड़ा नाम है यहाँ की जनता का, और मैं भूतपूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर्स सभी विभागों के पदाधिकारी कर्मचारी वर्ग, बुजुर्गान माताएं बहने और अभिभावक वर्ग, पूरा समाज और प्यारे बच्चों, मैं दिल से आप सबको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। कहते हैं कि अगले जन्म में हम कहां जाएंगे, लेकिन जब भी व्यवहारिक रूप से देखते हैं इसी जन्म में दिखता है। ये मुझे आप लोगों की बदौलत, जो आपने ये एक मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस शिक्षा रूपी यज्ञ में एक आहुति का आहुति डालने का सौभाग्य हम सबको मिला है, इसलिए यहां पर एकत्रित है तो ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, आज के दिन शिक्षा को किसी भूमिका में बांधना बहुत असंभव है सबके लिए। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उस मुकाम को समझने में बहुत असमर्थ है। डढवाल भाई, मेरा छोटा भाई, यहाँ पर प्रभु की जनता बैठी है, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, उस छोर की ओर देखे,
समझना इस बात को, अगर उस शिक्षा की बात के तमान्यता उस कगार तक पहुंच गई है जहां मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल माइंड की। अगर दुनिया चिंतन में है कि अगर इसको रोका नहीं जाए शायद ऐसा भी समय आ जाए कि यहां पर मनुष्य का खात्मा ही संभव दिखता है, लेकिन हमें व्यवहारिकता की बात करनी है, हम उस तरफ लौटेंगे। मैं आपके मध्य कुछ एक बातें शेयर करना चाहूंगा। इंसान हमेशा शिक्षा से जुड़ा रहता है जिंदगी के अंतिम पलों तक। सभी को कहना चाहूंगा, हम सब जो है बच्चों का भविष्य जो हम देख रहे हैं, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में है या अनकॉन्शियस माइंड में है, हम इनका भाग्य निर्धारित नहीं कर सकते। गौर से जब प्रोग्राम चल रहा था, आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, यहीं से डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, राजनेता इसी क्षेत्र से जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अगर हम समाज में अच्छा काम करते हैं, एक आदमी अच्छा काम करेंगे, हर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो उसके प्रति फल स्वरूप हम देखते हैं कि इसी जिंदगी में हमारे को वो देखने को मिलता है। ये मैं विस्तार के तौर पर थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा। बात करना चाहूंगा, आपने देख रहे हैं यहाँ पर जैसे रिजल्ट्स हैं गढ़वाल जी के, इसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की जोलेज से 20-21, ये बहुत सौभाग्यशाली पेरेंट्स हैं। और यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा, उन माँ बाप को भी हताश नहीं होना है, उसी शिक्षा की मैं बात करूंगा। यहाँ पर अंतर देखना थोड़ा सा, मेरिटोरियस सैलियंट कहें या मीडियोकर जो बच्चा होता है, जमीनी स्तर की बात है। मैं आपके मध्य हिमाचल के एक किसान और एक साधु हिंदुस्तान के हरियाणा से हैं और एक हमारे बहुत बड़ा व्यक्तित्व है हिंदुस्तान के व्यापारी की बात कहता हूं। हिमाचल के किसान की बात करूं जो शिक्षित तो था लेकिन बहुत गरीब था। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, ना नौकरी की, ना कोई कमीशन क्वालिफाई किया, उसने अपनी खेतों में काम किया। उस व्यक्ति का नाम है हिमाचल का किसान रामलाल। आज रामलाल को दुनिया देखती है, कारण छोटी से जगह है जमीन की, 20 बीघा जमीन के अंदर जब उन्होंने अपने सेब की वहां पर नर्सरी तैयार की अपने हाथों से और वैज्ञानिक ढंग से उस कार्य के किया, आज 20 बीघे में रामलाल चौहान के 1 करोड़ प्लस उसमें पैदावार होती है, जो दुनिया के लिए चैलेंजिंग है। आज वो दुनिया की वर्कशॉप देखने जाता है और आज वहां पर खेतों में लोगों को वर्कशॉप लगाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो पढ़ाई में कैसे थे, मीडियोकर। दूसरी बात, एक सीधा साधा साधु, गरीब घर से, सुबह शाम की रोटी नहीं, बहुत छोटी अवस्था में स्कूल में नहीं पढ़ा, आश्रम में पढ़ा, हिमाचल की कंदराओं में गया और वहां से आश्रम में पढ़ करके वहां से भागने के बाद उनके साथ एक और व्यक्ति था, जड़ी बूटियों का काम किया और ईस्ट में चले गए। 1-2 रुपया फीस होती थी, थोड़ा सा पढ़ा, बाकी उनकी जो है वैदिक एजुकेशन है। आज उनका भी हिंदुस्तान में नाम है और दुनिया के लिए बहुत बड़ी हमारी जो संस्कृति की देन है, हमारे योग का नाम जो दुनिया में आता है वो है बाबा रामदेव। पढ़ाई में कैसे थे, मीडियोकर। ही वॉज नॉट मेरिटोरियस और सेलियंस आई एम टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल सिंपल व्यक्ति थे। तीसरी बात, वो भी जरूर कहना चाहूंगा, वो व्यक्तित्व जो हिंदुस्तान में इस समय अमीरता की कसौटी में सबसे ऊपर है, मैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति गरीब व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वो है धीरूभाई अंबानी। मैं वहां 3 साल रहा, वो व्यक्ति वो भी मेरिटोरियस नहीं था, सिंपल पढ़ा हुआ था, कम पढ़ा था लेकिन मीडियोकर था।
और आज दुनिया में और हिंदुस्तान में उनका नाम आता है। ये उन माँ बाप के लिए है, उन सबके लिए है कि हम इस बात को समझें और हमें इसमें पूरा सहयोग देना है। बच्चों को कौन क्या बनेगा वो एक सुप्रीम पावर है, वो डिसाइड करेगी कैसा पला आएगा, कौन क्या बनेगा, वो भाग्य डिसाइड करने वाला और है। लेकिन फर्ज, मेहनत करना इंसान का फर्ज है। उनके सामने बड़े बड़े जो हिंदुस्तान का बड़ा कमीशन, वो भी उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। और क्योंकि शिक्षा का दिन है, बच्चों का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, माँ बाप को कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम निकाले। थोड़ा सोचिए, हम क्या बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम निकालते हैं? बच्चे तो बहुत दूर की बात है, हम अपने लिए भी क्वालिटी टाइम नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसमें विकार आ चुके हैं। आज हम सब, हम भी शामिल है इसमें, हम जो है खाना खाने के लिए भी क्वालिटी टाइम निकालते नहीं है। और अध्यात्म के इस दृष्टि से देखा जाए तो उसमें जब हम खाना खाते हैं, अगर उस समय पूरा ध्यान उस पर दे तो सही से शरीर में लगता है, तभी पौष्टिक तत्व शरीर को मिलते हैं। लेकिन मैं विकार की बात कर रहा हूं, आज हम सब लीन हो गए हैं, वो है मोबाइल। ये रोक देगा, कहां पर रोकेगा? हमारे में फैब्रिकेशन नहीं होगी, देयर इज नो फैब्रिकेशन, देयर इज ऑब्स्टिकल फैब्रिकेशन, क्रिएशन जिसको बोलेंगे। वी आर डिपेंडेंट, जरूरत है, देखना है, लेकिन उसके लिए कम समय। बच्चा पढ़ता नहीं है, मन नहीं लगता, हेल्थ नहीं बढ़ती, हम सब इस कदर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, हमारे को मिला क्या इसके इसके होने से? सिर्फ स्ट्रेस, दिन भर पूरा स्ट्रेस होने के बाद पढ़ाई पर फिर मन नहीं लगता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। खेल के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहन दे। माँ बाप जो यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ खेल का क्षेत्र या पढ़ाई का, इतना ही, शिक्षा का दायरा इतना ही है। मैं शुरू में कहा था कि इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, खेल के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा स्कोप है, ज्यादा नहीं। सबसे पहले जमीनी स्तर की बात की जाए, बच्चा खेलेगा सबसे पहले रोग मुक्त होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, मुफ्त का इलाज बच्चे के लिए, माइंड में जगह बनेगी। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है और कंप्यूटर हैंग हो जाता है, उसी प्रकार माइंड में ही वायरस आता है और हमारा माइंड जो है हैंग हो जाता है। उसके लिए और अपने कैरियर के लिए और अपनी खुश जिंदगी के लिए खेल भी एक महत्वपूर्ण जो है स्थान है। आप देखते हैं खेल के क्षेत्र में भी हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है और बहुत अच्छी स्कीम जो चली है इस पर जो है खेलो इंडिया, और बहुत सारे स्कोप्स हैं। जैसे बच्चे भी डिस्ट्रिक्ट में इन्हीं से जाता है बच्चा और आगे बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, ये बात शिक्षा के दिन कहना बहुत जरूरी है, वो संस्कार की बात करूंगा। संस्कार को परिभाषित करना, इसका दायरा बहुत छोटा नहीं रहा, हर क्षेत्र जो है कंपटीशन की दौड़ में है और उसका सोच का दायरा बढ़ जाता है। संस्कार क्या है, वैल्यूज क्या है, आज जरूरत होगी। ट्रेडिशनल वैल्यूज इनकल्केशन जो है, ये इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। जैसे पहले होता था बच्चों को पीटते थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट दायरे में रखते, आज जरूरत है बच्चे को खुशनुमा जिंदगी देनी है और इनडायरेक्ट वे में बच्चों को जो है खुश रखना है। सबसे पहले हम सबको खुश रखना है और जो है उनको इमोशनल बूस्टअप करना है, बच्चों के लिए समय निकालना है। हर काम तसल्ली से, जो काम को तसल्ली बख्श तरीके से किया जाता है, वो जो है नेचुरल वे में जो है संस्कार बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों को अफेक्शन चाहिए, बच्चों माँ बाप का प्यार चाहिए, शिक्षक का प्यार चाहिए, समाज का प्यार चाहिए, सम्मान चाहता है बच्चा, इज्जत चाहता है। अगर इज्जत है तो नेचुरल वे में उसमें वैल्यूज डेवलप होते जाएंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में मेडिटेशन शाम के टाइम बच्चों के साथ बैठे, सब प्रबुद्ध जनता है, सब जानते हैं। और खासतौर पर बच्चों की तुलना किसी बच्चे से ना करें, कारण मैंने पहले बता दिया कि किस बच्चे का कितना दायरा जाएगा। बाबा रामदेव का नाम लिया, नॉट मेरिटोरियस, धीरूभाई अंबानी का नाम लिया, मुकेश अंबानी नहीं, सिंपल बात, रामलाल का नाम लिया, वो जो है नेचुरल वे में उनमें संस्कार डेवलप हुए थे।
और जितनी मैंने बातें बताई ये सब इसका एक ही निष्कर्ष है, सफलता का सूत्र है, उसको कहते हैं मेहनत 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 मेहनत। मैंने बहुत देखा लेकिन ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। डढ़वाल मिस्टर जसवंत डढ़वाल, जब मैंने ये देख इनको आर्मी में देखा, सिर्फ मैंने इनको कहा था कि छोटे भाई मेरे को आपका जो दिमाग का एलिवेशन है इट इज वेल एलिवेटेड, आपको कुछ कुछ कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ शिक्षा जो है इंसान को इज्जत दिलाती है। कहानी बहुत लंबी है। ये ऐसा व्यक्ति जब बाकी आराम भी कर रहे थे जसवंत डढ़वाल जो है उसमें नहा करके पढ़ने बैठते थे, ऐसा मेहनती इंसान। अब करगिल युद्ध की बात करो, एक आर्मी में ऑफिसर जाके कैप्टन थे, डिटेल दिया गया डढ़वाल जी को उनके साथ, और या तो हरेक को आती है तो ऑफिसर्स कह रहे हैं कि डढ़वाल अब क्या होगा, डढ़वाल कहते हैं तब बच्चे जो है इनके और मेरे बच्चे भी जामनगर गुजरात में थे, होना क्या है वही होगा जो होता है। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है जसवंत ने डढ़वाल ने उसमें भी बखूबी काम किया है, और ये हर क्षेत्र में इनका एक सफलता का सूत्र यही है। ये बहुत मेहनती इंसान है। मैंने कहा मैं शिमला से चल रहा था कि भाईजान आजकल जो बहुत टेक्निकल जमाना है आप देखिए इसमें तो बारिश है, डढ़वाल जी कहते हैं मुझे बारिश ही चाहिए। हिमाचल गवर्नमेंट ने इस पर एक डिक्लेरेशन दी थी कि जो हाई अलर्ट कर दिया, रेड अलर्ट कर दिया। तो देखिए ये जहां मेहनत कर रहा है जिसमें उस मेहनत के प्रति पागलपन है, जुझारू है, जो लोग इंद्र देवता भी रुक गए, बौछारे कर रहे हैं लेकिन डढ़वाल के फंक्शन में विघ्न नहीं आया। ये हर सिचुएशन से लड़ने वाला व्यक्ति। और दूसरी पॉजिटिव बात जो है इस इंसान ने पलायन नहीं किया, ये बुद्धिजीवी जनता के लिए बात है। लोग शहरों की तरफ भागते हैं, पलायन करते हैं बच्चों को लेकर, और ये भी मुंबई दिल्ली कहीं भी मेहनत के बल पर सेटल कर सकते थे एजुकेशन सिस्टम, लेकिन डढ़वाल ने अपनी जन्मभूमि को नहीं भूला। यही कारण है कि टंबर गांव में मिस्टर डढ़वाल ने इस भव्य विद्यारूपी भवन का निर्माण किया। आज ये स्कूल नहीं, मैं इसे विद्या का भवन कहूंगा। कल्पना कीजिए यहां से कितने बच्चे पढ़ते जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे, और कितने संस्कार अकेला डढ़वाल और आगे जो इनकी मेंटेलिटी बच्चों में जाएगी, संस्कार जाएंगे और बहुत आगे तक जो है ये जो है इनकल्केशन, इसी को कर्म का क्षेत्र कहते हैं। ये डढ़वाल में है, ये इंसान आपके मध्य है और हर क्षेत्र में इनका अच्छा योगदान है। समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, लेबरर के तौर पर देखिए, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये जो है बहुत ही नेक दिल इंसान है। आपकी उपस्थिति में, आप सबों की उपस्थिति में मुझे आपने ध्यान से सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे को ये सम्मान दिया, मैं आप अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ और उन माँ बाप को धन्य समझता हूँ कि जिनकी बदौलत मुझे आप बुद्धिजीवी जनता के मध्य अपने विचार रखने का अवसर मिला। तो मैं जयसिंहपुर वासियों, ताम्रवासियों, बहुत विस्तृत दायरा है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बस इतना कहना चाहूंगा गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, गुजरा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ थे हर पल याद आएगा, कभी साथ थे हर पल याद आएगा। जैसलपुर वासियों, अंबर वासियों और समस्त जनता, धीरे से पलटना इन जिंदगी के पन्नों को, धीरे से पलटना इन जिंदगी के पन्नों को, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी और कहीं ना कहीं हमारा भी नाम आएगा, हमारा भी नाम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
अपनी तरफ से छोटी सी राशि 51,000 बच्चों के लिए देने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक्स।